यहाँ तो कोई परेशान करने वाला नहीं, वरना वहां कभी कोई दूध कभी पानी कभी चाय का पोस्ट आ जाता था। मैं अपना नाइट सूट भी नहीं पहन सकती थी, यहाँ पे कोई परेशान करने वाला नहीं। दरअसल मैं गांव में हर दिन जमीन पे टहनी पे सो सो कर लेता तो अपने सोचा थोड़ा। क्या मतलब? दरअसल आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। कुछ नहीं चाहिए, ये रूम सर्विस वाला नहीं, तुम्हारे घर का टिपिकल स्टाइल है। बार बार का परछावा जो है ना, उसकी भी मुझे चापे आ रही थी। कभी बग्याड़ बोलते थे, कभी कतूरे पौंकते थे, और कभी गिद्दड़। मुझे डर डर के मैं मेरा कलेजा कांपने लग गया। डर डर के मैंने नहीं जाना अकेले कमरे में, नहीं सोना, मैंने तेरे साथ सोना। तो साथ में आने की जरूरत क्या थी? किया के तो फिर साथ में आने की जरूरत क्या थी? मैं आ गई है ना, गलती हो गई है मुझसे, आ गई हूँ मैं। अगले साल आओगे ना दोवे जी हनीमून ते, कल्ले आना, मैंने नहीं आना। हनीमून ईद जो हर साल दो बार आती है। My God, सोश में क्या बताऊं, इतना जबरदस्त फंक्शन था, इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड, इतना कमाल के बताने से। मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि पिक्चर्स देखने के लिए। अरे पिक्चर्स क्या, मूवी आ रही है पाकिस्तान से, तुम देखना तो सही कैसी मूवी बनी है, सैयद नूर ने बनाई है। सैयद नूर ने? हाँ हाँ, शादी की मूवी। हाँ सैयद नूर ने बनाई है। भाई बात यह है कि आजकल पाकिस्तान और इंडिया के हालात जरा थोड़े से नरम जा रहे हैं ना, तो वरना मेरे इन लॉज जो है उनका प्लान था कि सूरज बरजातिया को बुलाते मूवी के लिए। सूरज बरजातिया, जिन्होंने हम आपके हैं कौन बनाई है? ऑफकोर्स, बल्कि मेरी करण से बात हुई थी, अपना करण जौहर उससे मेरी बात हुई। मैंने कहा भी करण आ जाओ शादी पे। कहने लगा देखो किम, थोड़ा सा डेट्स को आगे पीछे करना होगा। मैंने कहा क्यों? दरअसल बात यह कि उसने वही डेट्स ना शाहरुख से ली हुई थी फिल्म के लिए। मैंने कहा शाहरुख सुपरस्टार होगा तो अपने घर में होगा, मैं अपनी बेटी की शादी उसके लिए आगे नहीं कर सकती हूँ, इसलिए हमने पाकिस्तान में बनवा ली सैयद नूर से। हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी है कोई? Unbelievable. हमारे फिल्म मेकर्स पाकिस्तान आकर मूवी बना रहे हैं, मैं नहीं मान सकती। अरे क्यों नहीं मान सकती, इसमें ना मानने वाली कौन सी बात है? वो तुम्हारे महेश भट्ट साल में 3 चक्कर लगाते हैं पाकिस्तान के, वो क्या करने आते हैं? और वो तुम्हारे राम गोपाल वर्मा, वो हमारे नए नए जो अमीर हुए लोग हैं ना, उनकी घर की मूवीज बनाते हैं, क्या करते हैं? और लेकिन मेरे लॉस की क्लास जरा डिफरेंट है। देखो अगर वो इंडिया से बुलाएंगे तो वो संजय लीला बंसाली या करण जौहर को बुलाएंगे, और पाकिस्तान में शुएब मंसूर या फिर सैयद नूर। बाय द वे परफॉर्मेंस के लिए कौन कौन आया था? परफॉर्मेंस के लिए क्या बताऊँ तुम्हें कौन कौन था, मुझे तो नाम भी याद नहीं है। हाँ राहत फतेह अली था, आबिदा परवीन थी, और सज्जाद अली था, और मेहदी हसन थे, और इंडिया से सोनू निगम और अलीशा चिनाए थी। सोनू निगम? बोले बोले।